इधर सामने सामने देखो जो इसके पहले काम कर पाते थे आप? नहीं सर। तो पहली बार किया आपने काम? जी पहली बार किया। तो आपको तीन दिन की क्लास कैसी लगी? बहुत बढ़िया। और आज आपकी आईसी की आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी, तो क्या मिला आपको आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन में हमें पहचान मिली कौन सा आईसी मतलब क्या काम करता है, कौन सा कंपनी का होता है। किस किस ने लगाई लाइट फिर से बताओ, है ना? इस बात के लिए ताली बनती है क्या? बहुत टफ है, चार लोगों से पावर आईसी लगवा देना, लोग अपने आपको बादशाह समझते हैं। यहाँ 28-30 बच्चे बैठे हुए हैं हर कैटेगरी का, जिनने एसएमडी कभी लाइफ में पकड़ी भी नहीं, नहीं पकड़ी ना एसएमडी। हाँ हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, थोड़ा इधर इधर बताइए, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फिरोज अंसारी। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज अंसारी। कहाँ से हो भाई? बिहार से, अररिया जिला से। बिहार अररिया जिला से। तो ये बताइए फिरोज की, आपको एशिया टेलीकॉम कब ज्वाइन किया था आपने? इसी महीने में जी। कितना दिन हुआ तुमको? तीन दिन। आज तीसरे दिन की क्लास है। और अभी आरिफ क्या करने जा रहे हो तुम बताओ थोड़ा? अभी मैं नोट 5 प्रो का पावर आईसी निकालने जा रहा हूँ। ये एमआई नोट 5 प्रो का पावर आईसी निकालने जा रहे हो? थोड़ा इधर व्यूअर को बता दो कि भैया ये मोबाइल चालू है, बता दो इनको थोड़ा। चालू है मोबाइल, आप जैसा देख सकते हैं मोबाइल पूर्ण रूप से चालू है। और इनका नाम है आरिफ, ये बिहार के हैं। और अब इस मोबाइल का क्या करोगे आप थोड़ा बताइए? पावर आईसी। तो ये अरे ये काम पहले करते थे कि अभी कर रहे हो यहाँ पर? अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, इसके पहले नहीं आता था? नहीं आता था। नहीं, अभी काम कर रहे हो? जी अभी कर रहे हैं। तो इस मोबाइल की आईसी को आप पहले निकालोगे, मोबाइल को डेड करोगे, उसको रिवॉल्व करोगे और फिर वापस फिक्स करोगे। तो ये सारा सब कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं?
It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you. It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter if we fall down into the darkest place we know. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be खींचना नहीं है, खींचना मत, रखो, हाँ, हाँ ऐसा करो, ऐसा, खींचो मत, ऐसा। It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm
It don't matter where we go.
Everything will be alright when I'm with you.
मारो फूक मार के ठंडा करो। तो अरे इसके पहले ये काम कर पाते थे आप? अरे इधर सामने सामने देखो जरा, इसके पहले काम कर पाते थे आप? नहीं सर। तो पहली बार किया आपने काम? जी पहली बार किया। तो आपको 3 दिन की क्लास कैसी लगी? बहुत बढ़िया। और आज आपकी आईसी की आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी, तो क्या मिला आपको आइडेंटिफिकेशन? जी आइडेंटिफिकेशन में हमें पहचान मिली कौन सा आईसी मतलब क्या काम करता है, कौन सा कंपनी का होता है, वो मतलब चाइना होता है, सैमसंग का होता है, ओप्पो होता है या वीवो होता है, हमें सभी चीज़ की जानकारी मिली। एक सीपीयू के आधार पे आप बाकी आईसी बता सकते हो मोबाइल में? जी सब बता सकते। आपकी चार्जिंग कौन सी होगी, आपकी आरएफ आईसी कौन सी होगी, देख के सब बता सकते हैं। आपका 2G PFO कौन सा होगा, आपका 4G कौन सा होगा, ग्राफिक्स कौन सी होगी, लाइट कौन सी होगी, ये बता सकते हैं? बता सकते हैं आप, देख के ही बता सकते हैं। अच्छा, आपको हर सेक्शन की पहचान भी है, आईसी के पास ये चीज लगी होती है? हर सेक्शन की पहचान। अच्छा, तो आपको आपको सीपीयू का कौन से वर्जन का सीपीयू कब चे कौन से वर्जन का सीपीयू कौन से पावर का कौन सा वर्जन लगाना ये भी पता चला आपको? जी सब कुछ पता चल गया। चलिए ठीक है। तो आरिफ अभी आपने क्या क्या, आपका मोबाइल का नाम क्या था ये अभी जो आपने? Redmi Note 5 Pro। रेडमी नोट 5 प्रो का मोबाइल था आपका जी। इसका आपने पावर को निकाला, लगाया, रिवॉल्व किया और वापिस डेड किया, फिर इसको मारा, फिर जिंदा किया। अच्छा, मारा फिर जिंदा किया जी। तो अभी क्या पोजिशन है बोर्ड को आपका, ठंडा गर्म हो रहा है क्या? जी अभी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है? ठंडा हो रहा है। ठीक है, चलिए ठंडा कीजिए उसको। अब हम चालू करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ, थोड़ा थिनर डाल के ठंडा कर लो उसको। सर कितनी किनारे डाल के ठंडा कर लो उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिरोज कैसा लग रहा है, एक बार क्लैपिंग कर दो भाई फिरोज के लिए। फिरोज तीसरा दिन नोट 5 प्रो मोबाइल MI का पावर निकाल के लगाया, और आपके साथ प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा ये डिस्कस करो, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ, एक फिजिकली प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? मेरे साथ एक फिजिकली प्रॉब्लम है, हैंड का प्रॉब्लम मेरा, थोड़ा इधर हैंड हिलता है। अच्छा जी, तो उसके बाद भी आप काम कर पा रहे हो? जी। क्या कुछ आपको फिजियोथेरेपी मिली है यहाँ से? जी मिली। कि मतलब इसके बाद कैसा काम करना है आपको, अगर आपका हाथ हिलता भी है तो? तो आरिफ जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए, एशिया टेलीकॉम के लिए और उनकी टीम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद एशिया टेलीकॉम के लिए और देव सर के लिए और MD सर के लिए जी। और ये मॉडल आप देख सकते हैं Note 5, Redmi Note 5 सॉरी। अच्छा, Redmi Note 5 ये मॉडल है इनकी, Redmi Note 5। तो आरिफ, विश यू ऑल द बेस्ट। आज 3 दिन हुए, 3 दिन में आपने ये किया है, और कल आपकी काय की क्लास है? जी, और हमें लगता है ये नेटवर्क के सेक्शन, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ कम, मतलब जहाँ नेटवर्क है वहाँ नेटवर्क आती है, बाद बाकी ऐसे जगह में मतलब जहाँ नेटवर्क नहीं है 2 किलोमीटर के आसपास या बाहर। अच्छा। मतलब कम रेंज में रहती है ये, मुझे पता है कि ये, मैं इसको भी डायग्नोस करूँगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
करते।